हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं उठकर फ्रेश हो गई हूँ और किचन में आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है, तो आज मैं बनाऊँगी पूरियाँ, आलू भर के पूरियाँ बनाऊँगी मैं आज। यहाँ पर हमारी छुनछुन भी आ गई है, ये देखिए इधर उधर घूमती रहती है। ये है हमारी छुनछुन, हमारे घर की सबसे छोटी मेम्बर, इसका नाम है छुनछुन। तो यहाँ पर आज मैं बनाऊंगी आलू भर के पूरियाँ, क्योंकि आज जो है श्राद्ध का पहला दिन है, तो मैं तवा नहीं लगाऊंगी। हमारे वहाँ माना जाता है कि मतलब तवा नहीं लगाते हैं, कढ़ाई में बनाऊंगी कुछ, तो मैं पूरी बनाऊंगी। और यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें तेल रख दिया है, आलू भी मैश करके रख दिए थे, आटा गूंद कर भी रख दिया है। तो आज मैं पूरी बनाऊंगी, आलू भर के पूरियाँ बनाऊंगी मैं आज। और अभी बच्चे जो है तैयार हो रहे हैं स्कूल को, वो भी स्कूल को जाएंगे, तब तक मैं नाश्ता बना लेती हूँ। और छुनछुन यहाँ पर घूम रही है, देख सकते हैं स्लिप में घूम रही है। अभी मैं इसको नीचे रख दूंगी, क्योंकि गैस जली हुई है, अगर इधर को आएगी तो जल सकती है, तो उसको मैं अभी नीचे रख देती हूँ। हाथ से नहीं पकड़ पाऊँगी, क्योंकि हाथ से मैं पूरियाँ बना रही हूँ, तो इस तरीके से पकड़कर मैं उसको नीचे रख दूँगी। और यहाँ पर मैं अपनी पूरियाँ बना लूँगी, बच्चे तैयार हो रहे हैं अभी। नाश्ता बनाने के बाद नहाकर पूजा करके नाश्ता करके फिर मैं भी जाऊँगी स्कूल को, पहले मैं बच्चों को तैयार करके भेज देती हूँ, फिर मैं भी थोड़ा झाड़ू लगा कर बर्तन वॉश करके फिर नहा धो के पूजा करके मैं भी जाऊँगी। तो पहले बच्चे जाते हैं, उसके बाद मैं जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं पूरी बना लूँगी, तेल को स्लो गैस पर रखा है गर्म होने के लिए, तेल गर्म हो जाएगा तो मैं अपनी पूरियाँ निकाल लूँगी। वैसे कचौड़ी बोलते हैं इनको, आलू भर के बनाई जाती हैं, जो आलू का पिट्ठा बनाकर तैयार किया है उसको भर के बनाऊँगी, तो कचौड़ियाँ हो जाएंगी, आलू की कचौड़ियाँ। तो उसी को बनाकर पिट्ठा बना लिया था मैंने पहले ही, और आटा भी गूंथ कर रख लिया था। और यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ उसकी, एक तो मैंने डाल दी है तेल में, और अभी दूसरी बना लेती हूँ। ये देखिए एक मेरी बन गई है, नीचे जो है छोटे छोटे मेंबर हैं हमारे घर के, जो वो इधर उधर घूम रहे हैं, तीन मेंबर हैं और एक है कोको महाराज, वो भी मैंने आपको दिखाए थे वीडियो में पहले। और यहाँ पर जो है सुबह को इतना टाइम इतना काम हो जाता है, फटाफट सारा काम करना पड़ता है, और क्योंकि बच्चों को भी जाना होता है और मुझे भी जाना होता है, तो फटाफट से सारा काम करना पड़ता है। एक संडे के दिन है या फिर कोई छुट्टी अगर बीच में मिल जाए तो हम फिर आराम से उस दिन मैं काम करती हूँ, धीरे धीरे काम होता है। और स्कूल वाले दिन तो फटाफट सारा काम करना पड़ता है, जितना होता है उसको कर लेती हूँ, जितना नहीं होता है उसको मैं छोड़ देती हूँ, फिर उसको मैं स्कूल से आके करती हूँ। तो ये पूड़ी मेरी बन गई है, एक दो पूड़ी मेरी बन गई है यहाँ पर, इनको भी मैं निकाल के रख लेती हूँ। और ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल को, तो मैंने ऊपर से ही शूट कर लिया था, बच्चों ने नाश्ता कर लिया है और वो स्कूल को चले गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी मैंने नाश्ता बना लिया है, वो मैंने अभी आपको दिखाया था, अब मैं नहा लेती हूँ या झाड़ू लगाती हूँ। और आज भी मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर के थ्री मेंबर, ये देखिए मस्त हैं, इन्होंने अपना खाना खा लिया है, दूध पी लिया है, और अब इनकी मम्मा इनको दूध पिला रही है। तो फ्रेंड्स अभी मैं थोड़ा झाड़ू लगा लेती हूँ, आज स्कूल जाना है। अभी मैंने आपको दिखाया बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो अब मैं शुरू होती हूँ, अपना काम करती हूँ, नाश्ता बन गया है, झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं रेडी होती हूँ स्कूल को। तो बने रहें वीडियो पे। देखिए फ्रेंड्स, कल रात 2 बजे से हमारे वहाँ इतनी बारिश हुई है कि पानी भी भर गया है। ये देखिए रोड में, नीचे खेत में, और ये मेरा गार्डन है, तुरई की बेल लगी है, इधर अरबी के पत्ते हो रहे हैं, ये देखिए
और यहाँ आंगन भी गीला ही है, टब में भी पानी भर गया है। ये मेरे प्लांट हैं, ये मोरपंख का पेड़ है और ये पान के पत्ते का पेड़ है। पान जो हम लोग पान खाते हैं उसका पेड़ है, पान के पत्ते का पेड़ है। एक कुश है जो हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं, उसका पेड़ है कुश। ये मनी प्लांट लगा हुआ है, ये चमेली का पेड़ है। ये देखिए इसमें तुलसी माता लगी हुई है, इस तरीके से बना हुआ है। अभी यहाँ पर पूरा बनानी है, यहाँ वॉश बेसिन लगना है। अभी बना है नया। तो ये देखिए इतनी बारिश थी और अब सूर्य देवता भी निकल गए हैं। सूरज दादा की जय। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी क्योंकि फिर पसीना हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है पहले नहाए का। तो पहले मैंने नाश्ता बना लिया, फिर थोड़ा आपसे बातें कर ली और आपको बाहर का व्यू दिखा दिया, आपने प्लांट भी दिखाए मैंने आपको, सूरज दादा के दर्शन भी करा दिए मैंने आपको। और अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद नहाऊंगी मैं। और बहुत काम हो जाता है सुबह सुबह, सभी का हो जाता है, मेरा ही नहीं। नाश्ता बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, और अगर बाहर वर्किंग वूमेन है, बाहर काम करने जाती हैं तो उनके लिए कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। अगर हम घर में रहें तो धीरे धीरे जो है अपना काम निपटाते रहें। अगर हमको कहीं बाहर जाना है और कुछ काम के लिए अगर हम बाहर कुछ काम करते हैं तो ज़िम्मेदारी थोड़ा बढ़ जाती है। घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है और अपना काम भी देखना है। तो चलो जो भी है, काम है तो करना ही पड़ेगा, घर का भी बहुत काम हो जाता है। तो वही मैं निपटा लेती हूँ यहाँ पर, जितना पॉसिबल हो पाता है मॉर्निंग में मैं उतना निपटा लेती हूँ। और अगर बाकी कुछ रह जाता है तो उसको फिर मैं स्कूल से आकर निपटाती हूँ, स्कूल से आके करती हूँ। कभी कभी तो पोछा मैं शाम के टाइम लगाती हूँ क्योंकि दो टाइम घर में झाड़ू लगता है, एक सुबह और एक शाम। तो शाम के टाइम मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, सुबह को फिर केवल झाड़ू लगाती हूँ। और कभी नहीं हो पाता है तो फिर सुबह। फ्रेंड्स मैंने नहा लिया है और मैं अब मंदिर में आ गई हूँ पूजा करने के लिए। देखिए अभी केवल जोत जलाई है, अभी पूजा करी नहीं है मैंने। अभी मैं पहले भगवानों को नहला देती हूँ, फिर उनका टीका पिठिया टीका चंदन जो भी है वो मैं करूँगी। तो आगे ब्लॉग पर बने रहना, पहले मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। देखो फ्रेंड्स मेरे साथ पूजा करने कौन आया है, नोनी मेरे पीछे पीछे आ गई थी छत में और अब चली गई है बाहर अभी थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स पूजा मैंने कर ली है, धूप जला दी, जोत जला दी, भगवानों को नहलाकर मैंने टीका चंदन कर दिया है। और अब मैं सूर्य देवता की आरती करूँगी, उन्हें जल चढ़ाऊँगी, उसके बाद नीचे जो भी मेरा काम है उसको मैं करूँगी। तो वीडियो पर बने रहना, आगे देखिए मैं क्या करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरे पीछे तुरई की बेल, आँखों में धूप लग रही है, ऊपर कर दी है ये, बहुत नीचे लटक गई थी। और ये देखिए मेरे छत से कैसा व्यू दिख रहा है, ऊपर जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं वो सब नैनीताल के पहाड़ हैं। जस्ट यहाँ से हमारे घर से 35 किलोमीटर दूर ही नैनीताल है। तो पहाड़ जो दिख रहे हैं सब नैनीताल के आपको पहाड़ दिख रहे होंगे। और तुरई मैं भी आपको दिखाती हूँ पास से, तो देखिए तुरई लग रही हैं, दिख रही होंगी आपको, फूल भी लग रहे हैं, तुरई भी लग रही हैं। और इतनी जो है यहाँ कितने फूल लगे हैं देखो। और ये धूप लेके जा रही हूँ मैं तुलसी में लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स अब मैं नीचे आ गई हूँ, मैंने अपना काम कर लिया है और अब मैं स्कूल को होती हूँ रेडी और पहन लेती हूँ स्कूल का यूनिफॉर्म, मतलब मेरे स्कूल की साड़ी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर देखिए नोनी बैठ गई है गमले पर, यहाँ पर धूप सेकने के लिए बैठ गई है वो गमले के ऊपर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा डेली ब्लॉग का वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच।